फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 की ट्रेड विंडो खुलते ही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कर ली है। दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले मुंबई इंडियंस से मयंक मारकंडे लेकर अपनी तरफ से रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस को दे दिया था। इसके बाद अब करंट बातें चल रही है कि दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स से अजिंक्य राणे लेने वाली है। इस बात के 95% चांस है कि अजिंक्य राणे भी 2020 आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स में आ जाएंगे। लेकिन अभी कल शाम से ही एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो खबर ये हो रही है कि अब रविचंद्रन अश्विन भी बाई ट्रेडिंग दिल्ली कैपिटल्स में आने वाले, यानी पंजाब की टीम से वो आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स में आएंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ क्या ये सचमुच बात सही है, क्या सचमुच आईपीएल 2020 में रविचंद्रन अश्विन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे या फिर नहीं, और अगर खेलेंगे तो किस तारीख को होगा इस ट्रेडिंग का फैसला, और कौन सा प्लेयर जाएगा दिल्ली कैपिटल्स से पंजाब की टीम में। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 का सीजन जीते तो नीचे का लाइक का बटन देखो उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आईपीएल 2017 में पंजाब ने अश्विन को ऑक्शन से खरीदा था, उसके बाद उन्हें डायरेक्ट कप्तान बना दिया था। लेकिन पिछले 2 साल से अश्विन की कप्तानी इतनी अच्छी नहीं रही है, पंजाब की टीम पिछले 2 साल में प्लेऑफ्स में भी जगह नहीं बना पाई है। इससे ये बात 100% कंफर्म्ड है कि इस साल पंजाब अश्विन को कप्तानी से हटा देगी। शायद इस कारण ही अश्विन ने दिल्ली कैपिटल को सजेशन दिया है कि उन्हें ट्रेड कर ले और दिल्ली कैपिटल में शामिल कर ले, ये एक रीजन हो सकता है। या फिर इसके अलावा कोई और भी रीजन हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स खुद अश्विन को खरीदना चाहे और अपनी टीम में शामिल करना चाहे। लेकिन इस बात के काफी कम चांसेस लगते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी 5 से 6 स्पिनर उनके स्क्वाड में हैं, और अगर वो अश्विन को अपनी टीम में ले लेती है तो दिल्ली कैपिटल्स के पास 6 से 7 स्पिनर हो जाएंगे जिन्हें वो यूज भी नहीं कर पाएगी पूरे आईपीएल सीजन में। लेकिन एक बात पूरी तरह से कंफर्म्ड है कि अश्विन पंजाब को छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और हो सकता है कि वो हमें आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेलते हुए दिखे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को ऑफर दे दिया है कि वो अश्विन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अब पंजाब को रिप्लाई देना होगा कि अश्विन के लिए कितने करोड़ रुपए मांग रही है या फिर वो कौन सा प्लेयर अश्विन के लिए रिप्लेसमेंट मांग रही है। इसके बाद ये ट्रेडिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन 70-75% ये बात कंफर्म्ड हो गई है कि पंजाब से अश्विन अब चले जाएंगे और हो सकता है कि वो आईपीएल 2020 दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखे। तो फ्रेंड्स, ये था इस ट्रेडिंग को लेकर सारा अपडेट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच अश्विन को चला जाना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स में या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।